हेलो गाइस वेलकम टू मित लेक्चर्स हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फोर के जो आगे के सेक्शंस से हैं उनके बारे में सबसे पहले तो सेक्शन फोर डबल सिक्स जो आई पी में बताया गया फोर जी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ़ कोर्ट और ऑफ पब्लिक रजिस्टर कि मतलब जो कोर्ट का रिकॉर्ड है या पब्लिक रजिस्टर है कोई सरकारी दस्तावेज उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी फोर डॉक्यूमेंट वगैरह फोर वगैरह की जाती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है आई के अंदर हु एवर फोर जी इज़ अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड Purporting to be a record or proceeding of or in a court of justice or a register of birth, baptism, marriage or a register kept by a public servant as such or a certificate or document or electronic record purporting to be made by a public servant in his official capacity or an authority to institute or defend a suit or to take any proceedings therein or to confess judgment. और अ पावर ऑफ़ अटॉर्नी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आई दट डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू सेवन ईयर्स एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन तो इसमें बताया गया नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी कोर्ट के जो दस्तावेज होते हैं या पब्लिक रजिस्टर वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के मतलब कोई भी सरकारी दस्तावेज वगैरह होते हैं अगर उसमें हेयर फेर वगैरह की जाती है उसमें कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच किया जाता है कोई भी फोल्स डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया जाता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की जाती है तो उस पर्सन को फोर के लिए मतलब वो ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने फोर का ऑफेंस कमिट करा है और उसको फोर के ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट मिलेगी उसके लिए लायबल माना जाएगा जिसमें पनिशमेंट दी गई है अगर कोई ऐसा करता है उसके लिए जो पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट सात सालों तक दी जा सकती है मतलब सात साल तक की इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है और तो उसको फाइन के लिए लाइबल माना, माना जाएगा इसमें और नहीं है इसमें दोनों मिलेंगे मतलब सज़ा भी होगी जो जेल में उसको जाना पड़ेगा सात सालों तक और उसको फाइन के भी फाइन भी भरना पड़ेगा अब हम बात करेंगे सेक्शन 467 के बारे में जिसमें बताया हुआ है फोर्ज ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल एक्सेट्रा अगर कोई भी ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की या कि, किसी मतलब जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग विल्स वगैरह होती हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी हेर फेर करता है कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्रिएट करता है तो उसके लिए क्या मतलब प्रावधान दिए गए हैं ए गये गये है, में सेक्शन फोर में उसके बारे में बताएंगे हम हु एवर फॉर जीज अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच पर्पज टू बी अ वेल्युएबल सिक्योरिटी और अ विल एन अथॉरिटी और एन अथॉरिटी टू अडॉप्ट सन तो इसमें यह बताया गया कि कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो या कोई जैसे प्रॉपर्टी के रिलेटेड रिगार्डिंग जो विल्स वगैरह बनती हैं उसका कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई सन को अडॉप्ट करना हो या मतलब सन या डॉटर को किसी भी बच्चे को अडोप्ट वगैरह करना हो उसमें कोई भी मतलब सिग्नेचर वगैरह कोई भी फोर्स डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा सकता है और विच पर्पजस टू गिव अथॉरिटी टू एनी पर्सन टू मेक और ट्रांसफर एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी और टू रिसीव द प्रिंसिपल इंटरेस्ट और डिविडेंड तो कोई भी इंटरेस्ट वगैरह आना है या प्रिंसिपल अमाउंट आनी है या कोई भी डिविडेंड की अमाउंट वगैरह आनी है रिसीव होनी है किसी पर्सन को अगर उसके रिगार्डिंग कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाकर वो अमाउंट खुद रिसीव करना चाहते हैं और टू तो रिसीव और डिलीवर एनी मनी मूवेबल प्रॉपर्टी और वेल्यूएबल सिक्योरिटी कोई भी मतलब मनी वगैरह जो डिलीवरी वगैरह होनी रिसीव होनी है या मूवेबल प्रॉपर्टी के कोई ट्रांसफ़र के रिलेटेड तो ऐसे कोई भी अगर ट्रांजेक्शन वगैरह होगी वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल या अडोप्शन वगैरह सन की होगी या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी की इधर उधर मतलब ट्रांसफर वगैरह करनी होगी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी ट्रांसफ़र करनी होगी या पैसे किसी को मतलब भेजने होंगे या प्रिंसिपल अमाउंट जो भी होगी या इंटरेस्ट उसका या डिविडेंड वगैरह ऐसी कोई भी अगर ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग कोई फॉरजरी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए जाते हैं फॉर्ज डॉक्यूमेंट तो ये मानकर चला जाएगा उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट करा है फॉरजरी का तो इसके लिए जो पनिशमेंट है वो एम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दी गई है उम्र कैद और विद द ऑफ आई द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू टेन ईयर्स तो इसमें यह बताया गया या तो उसको उम्र कैद हो सकती है या इसमें यह बताया गया कि जो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी वो दस सालों तक की हो सकती है एंड शाला ऑल्सो लाइबल टू बी फाइन तो इसमें वो फ़ाइन के लिए भी लाइबल माना जाएगा और दस साल की पनिशमेंट भी उसको मिलेगी या उसको उम्र कैद मिलेगी दोनों में से कोई एक चीज़ अब हम बात करेंगे सेक्शन 468 के बारे में जिसमें बताया गया फोर फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग अगर किसी का चीटिंग का पर्पस है चीटिंग के पर्पस के रिगार्डिंग अगर वो फोर वगैरह कर रहा है तो उसके लिए क्या बताया गया आई के अंदर हु एवर कमिट्स फोर्जरी इंटेंडिंग दैट द डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फोरज शैल बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग शैल बी पनिश विद इंप्रिजमेंट ऑफ आई द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू सेवन ईयर्स एंड शैल ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन तो इसमें यह बताया गया सात सालों तक की उसको सज़ा हो सकती है और उसको फाइन के लिए भी लाइबल माना जाएगा अब हम बात करेंगे सेक्शन 469 के बारे में जिसमें बताया गया फोर्जरी फॉर पर्पज़ ऑफ हार्मिंग रेपोटेशन कि अगर किसी की रेपोटेशन वगैरह को हार्म करती हैं कोई ऐसा मतलब फ़ोर्ज डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं या कोई फोर्ज एड वगैरह एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं किसी भी तरीके की जिससे किसी पर्सन की या किसी कंपनी वगैरह की कोई रेपोटेशन वगैरह हार्म होती है तो उसके लिए क्या सज़ा वगैरह मिलेगी Whoever commits forgery intending that the document or electronic record forged shall harm the reputation of any party or knowing that it is likely to be used for that purpose shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to थ्री years and shall also be liable to be fined. तो इसमें यह बताया गया कि उसको सजा जो होगी जिसको imprisonment होगी तीन साल तक की दी जा सकती है और उसको fine भी भरना पड़ेगा अब हम फाइनली बात करेंगे सेक्शन 470 में फोर्ज डॉक्यूमेंट के बारे में बताएगी कि फोर्ज डॉक्यूमेंट क्या होगा कौन सा होगा ए फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड होली और इन पार्ट बाय फोर्चरी इज डेजिग्नेटेड अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब कोई भी झूठा डॉक्यूमेंट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो मतलब जिसमें हेर फेर वगैरह की गई हो मतलब कोई गलती वगैरह की गई हो कोई मतलब किसी के साथ धोखा करने की तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा या वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा उसको फॉल्स डॉक्यूमेंट माना गया है आई के अंदर लास्टली हम बात करेंगे सेक्शन फोर सेवेंटी वन के बारे में यूजिंग एज जेनुअन और फॉर्ज डॉक्यूमेंट कि मतलब फॉर्ज डॉक्यूमेंट को जेनुअन वे से यूज़ करना हुर फ्रॉडूड एंटली और डिसऑनेस्टली यूज इज अ जेन्यून एन डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो इंसान को खुद को पता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट है या फॉर्ज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसके बावजूद भी उस रिकॉर्ड को मतलब या उस डॉक्यूमेंट को जेनुअनली यूज़ करना उसको पनिशमेंट मिलेगी उसी मतलब उसी वे से जैसे अगर कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट वगैरह हो या फॉर्ज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के मामले में जो मिलेगी पनिशमेंट जो हमने सेक्शन 4 सेक, फोर सिक्सटी फोर में पढ़ा था वही सेम पनिशमेंट इसमें भी मिलेगी फोर सेवेंटी वन में भी ओके थैंक यू